आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अपने स्वयंसेवकों का गुणगान करना भारी पड़ गया है। अपने बयान को लेकर अब भागवत विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी संघ पर निशाना साधा। उन्होंने तो संघ प्रमुख पर केस करने तक की बात कही है। हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सेना पर बयान देकर ऐसे फंसे कि आरएसएस को भागवत के बयान पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन आरएसएस की सफाई भी भागवत को विरोधियों के निशाने पर आने से नहीं बचा पाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब बीजेपी और आरएसएस पर नजरें टेढ़ी रखने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी भागवत पर जोरदार कटाक्ष किया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर लिखा कि संघ प्रमुख अब हमारी सेना पर आक्षेप करते हैं। सेना को कमजोर बताने वाले मोहन भागवत से राष्ट्रभक्ति किसको सीखनी है? भक्त जवाब जरूर देना, नहीं तो साहब तनख्वाह काट लेंगे। सेना का अपमान करने वाले भागवत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हार्दिक तब ने ट्वीट में भागवत की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की है। इतना ही नहीं, उन्होंने भागवत पर मुकदमा करने की ओर इशारा भी किया है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में संघ प्रमुख ने कहा था कि अगर संविधान इजाजत दे तो हमारे कार्यकर्ता देश के लिए जान देने को तैयार हैं। हमारा संगठन इसके लिए आर्मी से पहले 3 दिन में अपनी सेना खड़ी कर सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।